इंडिया ऑर्केस्ट ईवीएम की ओर से शनिवार को शहर के इंदिरा मैदान में ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन परिषद आयोजित की गई है। शनिवार को होने जा रहे इस परिषद में अध्यक्ष के रूप में बाम से तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले आदि मान्यवर उपस्थित रहेंगे। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि ईवीएम के दुष्परिणाम बताना है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर गली तक आंदोलन व विरोध हो रहा है, मगर नागपुर शहर में पहली बार इस विषय को लेकर परिषद आयोजित की गई है। विधान में एडवोकेट स्मिता कांबळे, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, आणि ही जी परिषद आहे उद्याला 17 तारखेला इंदोरा मैदानावरती ठीक 5 वाजता होणार आहे। आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की लाखोच्या तादादमध्ये इथे जनता उपस्थित राहणार आहे, कारण त्या प्रकारे प्रचार झालेला आहे, प्रचार आणि प्रसार, आणि जनता फक्त वाट बघत होती या परिषदेची। आणि अशी ही जी परिषद आहे, आंदोलनं तर अनेक झाले, पण ह्या स्वरूपाची परिषद देशामध्ये पहिली वेळ नागपूरमध्ये होत आहे। आणि ज्याची अध्यक्षता माननीय वामन मिश्रम सर जे अध्यक्ष आहेत बामसेफचे आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे, ते करणार आहे। सोबतच ईव्हीएम विरोधी जेवढे पक्ष आहे त्यांनाही आम्ही प्रामाणिकतेने या परिषदेला गेस्ट म्हणून, मार्गदर्शक म्हणून बोलवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ज्यामध्ये विजय वडेट्टीवार सर जे विरोधी पक्षनेता आहे महाराष्ट्र विधानसभा, सुप्रिया सुळे मॅडम, भानुप्रसाद सिंग जे ईव्हीएम आंदोलनाचे नेता आहे, ज्यांचं दिलेलं आंदोलन सुरू आहे, राजेंद्र पाल सर, सुनील केदार सर, ॲडव्होकेट फिरदोस मिर्झा सर, उत्तम शेवडे, अमन कांबळे, गुणवंत देवपारे, प्रीतम बुलकुंडे, विश्वास पाटील, हे तमाम जे पाहुणे आहेत ज्यांचा लढा ईव्हीएमच्या विरोधात आहे, हे सर्व उद्याच्या परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करणार आहे। आणि मी तमाम भारतीय जनतेला आव्हान करते की ही जी आहे ही मला असं वाटते आझादी की यह दुसरी लढाई है, और जनता ने जब संविधानिक संस्थाएं जो होती है वो असमर्थ रहती है जनता को न्याय दिलाने के लिए, और हमारी वोट की चोरी हो रही है ये सिद्ध हो चुका है, काफ़ी सारे एविडेंसेस हमारे पास है, तो जनता ऐसे वक्त पे रास्ते पे उतर कर देश को बचाती है। देश पे संकट आया हुआ है, ये जो सरकारें हैं ये ईवीएम सरकारें हैं रूलिंग पे बैठे हुए है, और वो देश को अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, हुकुमशाही की ओर हमारा देश बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे समय पर जनता सर्वोच्च होती है। और यहाँ की रूलिंग पार्टी है, खुद संविधान कहता है कि यहाँ की रूलिंग पार्टी ने जनता की सेवा करनी चाहिए, जब संविधानिक जो संस्था है वो असमर्थ ठहरती है संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, तो ऐसे वक्त पे जनता रास्ते पे आती है। तो ऐसी ही जनता इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से इस परिषद में रास्ते पे आके इस परिषद का हिस्सा हो रही है, लोकतंत्र बचाने का हिस्सा हो रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।